नमस्कार, टारगेट वीरालो के 8 PM न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक मिश्रा। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भारत चीन सीमा विवाद पर नहीं निकल रहा कोई हल, चाइना ने भारत को ठहराया जिम्मेदार। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने जारी किया रिपोर्ट, कहा भारतीय अर्थव्यवस्था आजादी के बाद सबसे बुरे दौर में। कोविड-19 महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिए WHO फाउंडेशन का गठन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का इस्तेमाल न करने की दी सलाह। तो चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। गालवान घाटी को लेकर भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर तनाव बढ़ता जा रहा है। नतीजन दोनों देशों ने अपने सैनिकों की मौजूदगी LAC पर बढ़ा दी है। चीन ने इस तनाव की वजह भारत को बताया है। चाइना ने कहा कि भारत इस इलाके में रक्षा संबंधी गैर कानूनी निर्माण कर रहा है। आपको बता दें कि भारत और चीन दोनों ने लगभग एक साथ साम्राज्यवादी शासन से मुक्ति पाई थी। मुक्ति के पश्चात भारत ने जहां सच्चे अर्थों में लोकतंत्र को अपनाया, वहीं चीन दिखावे के लोकतंत्र को अपनाया, यानी चीन ने नागरिकों के साथ साथ पड़ोसी देशों के साथ भी तानाशाही रवैया अपनाया, जिसमें चीन की प्रमुख नीति विस्तारवाद की थी। इसकी एक झलक आज LAC पर साफ देखी जा सकती है। वर्ष 1950 में चीन तिब्बत पर आक्रमण कर कब्जा कर लिया, तब भारत और चीन की सीमा आपस में लगने लगी और पड़ोसी देश बन गए। हालांकि 20वीं सदी के मध्य तक भारत और चीन के बीच संबंध बहुत कम थे। कुछ वर्षों बाद 1945 में भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और झोउ एनलाई ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया और पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर किए, ताकि दोनों देशों के मध्य शांति व्यवस्था कायम करके व्यापार और अन्य क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाया जा सके। लेकिन कुछ ही वर्ष बाद 1959 में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा और तिब्बती शरणार्थी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आकर बस गए, जिससे चीन नाराज होकर भारत पर साम्राज्यवाद के प्रसार का आरोप लगाने लगा। नतीजन 1962 में दोनों देश आमने सामने हुए और द्विपक्षीय संबंधों को गंभीर झटका लगा। आगे चलकर वर्ष 1976 में दोनों देशों ने एक बार फिर राजनयिक संबंधों को बहाल किया। इसके बाद भारत चीन रिश्ते में धीरे धीरे सुधार आने लगा। इसके बाद 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने चीन का दौरा किया, ताकि दोनों देशों के रिश्ते को सुधारा जा सके। 1992 में राष्ट्रपति आर वेंकट रमन ने चीन का दौरा किया। वे चीन का दौरा करने वाले प्रथम भारतीय राष्ट्रपति थे। श्री गांधी के नीति को ही आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी चीन का दौरा किया और सीमा विवाद के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसे चीन भारत संबंध में सिद्धांतों और व्यापक सहयोग पर घोषणा के नाम से जाना जाता है। इसी के परिणाम स्वरूप वर्ष 2011 में चीन भारत विनिमय वर्ष और वर्ष 2012 में चीन भारत मैत्री और सहयोग वर्ष के रूप में मनाया गया। इसके बाद वर्ष 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री के चीन दौरे के बाद नाथुला दर्रा तीर्थयात्रियों के लिए खोलने का फैसला किया गया। फिर 2018 में चीन के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के बीच वुहान में भारत चीन अनौपचारिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। उसके अगले वर्ष यानी 2019 में चेन्नई में दूसरा अनौपचारिक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। इन तमाम प्रयासों के बावजूद भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पहले जैसे ही बना हुआ है। साथ ही चीन ने विस्तारवादी नीति को अपनाते हुए किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया है। हालांकि समय के साथ चीन की यह नीति और तेजी से बढ़ती ही जा रही है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने 26 मई 2020 को एक रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि भारत अब तक की खराब मंदी की स्थिति का सामना कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में आज़ादी के बाद यह चौथी और उदारीकरण के बाद की पहली सबसे भीषण मंदी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कोविड-19 महामारी और उसकी रोकथाम के लिए जारी लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था में चालू वित्त वर्ष में 5% की गिरावट आने की आशंका है, जिसे सामान्य होने में 3 से 4 वर्ष का समय लग सकता है।
इससे पहले 28 अप्रैल को क्रिसिल ने जीडीपी ग्रोथ रेट को 3.5% से घटाकर 1.8% रहने का अनुमान लगाया था। एजेंसी के मुताबिक पिछले एक महीने में भारत की आर्थिक स्थिति और बिगड़ी है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल का मानना है कि पिछली तीन बड़ी मंदी 1958, 1966 और 1980 में आई थी, जिसमें तीनों मंदी की प्रमुख वजह खराब मानसून था, जिसमें अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा प्रभावित हुआ था। एजेंसी ने आगे कहा कि चालू वित्त की पहली तिमाही सबसे ज़्यादा प्रभावित होगी और टूरिज्म जैसे सेक्टर का सबसे बुरा हाल होगा, क्योंकि यह क्षेत्र बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार देता है, जबकि कृषि क्षेत्र में राहत की उम्मीद है, क्योंकि अनुमान लगाया गया है कि मानसून सामान्य रहेगा। इससे कृषि के क्षेत्र में 2.5% बढ़ोतरी का अनुमान है। आपको बताते चलें कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल एक भारतीय विश्लेषणात्मक कंपनी है। यह एक अमेरिकन कंपनी S&P ग्लोबल की सहायक कंपनी है। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। हाल ही में 27 मई को कोविड-19 महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिए WHO ने एक WHO फाउंडेशन नाम से संस्था की घोषणा की। आज दुनिया भर के हर देश कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी क्रम में इस फाउंडेशन की स्थापना की गई है। इस फाउंडेशन में किसी महामारी से निपटने के लिए फंड इकट्ठा की जाएगी, जिसमें बड़े देशों और आम नागरिकों से भी सहायता ली जाएगी। बीते 27 मई को WHO के डायरेक्टर टेड्रोस अधानम ने इसकी घोषणा की। आपको बता दें कि यह एक स्वतंत्र संगठन होगा। अधानम ने एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस संस्था के निर्माण का प्रस्ताव 2018 के फरवरी माह से ही लंबित है। WHO की माने तो यह वैश्विक स्तर पर लोगों के स्वास्थ्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यह संगठन फंड देगा, लेकिन ध्यान रहे कि वैधानिक तौर पर यह संगठन WHO से अलग होगा। संगठन के महानिदेशक टेड्रोस ने एक समाचार पत्र में छपी खबर के मद्देनज़र यह फैसला लिया कि कोविड-19 के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का इस्तेमाल न किया जाए, यह हृदय के लिए जानलेवा हो सकती है। फिलहाल के लिए WHO को हर सदस्य देश सहायता राशि देता है और उसी से विश्व भर में आने वाली आपदाओं के लिए WHO मदद करता है। हाल ही में कोविड-19 के मुद्दे पर अमेरिका ने WHO को दी जाने वाली सहायता राशि पर रोक लगा दिया है। गौरतलब है कि WHO की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि उसका मौजूदा बजट $2.3 बिलियन है, जो एक वैश्विक संस्था के रूप में काफ़ी कम है। संगठन ने यह भी कहा था कि अमेरिका के फंडिंग रोकने से संकट और बढ़ गया है, लिहाजा हमें अतिरिक्त फंडिंग की आवश्यकता है। और अब अंत में आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर नज़र डालते हैं, जो आपके परीक्षाओं के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने लाख की खेती को कृषि घोषित करने के लिए वन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है। दरअसल वन विभाग ने प्रस्ताव पेश किया था कि लाख की खेती किसानों के लिए फायदेमंद और उपयुक्त है, जिस पर मुख्यमंत्री ने सहमति जताई। मुख्यमंत्री की इस मंजूरी से लाख उत्पादन में लगे किसानों को फायदा होगा। अब लाख उत्पादकों को भी सहकारी समितियों से अन्य किसानों की तरह आसानी से ऋण उपलब्ध हो सकेगा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ भारत में प्रमुख लाख उत्पादक राज्यों में से एक है। हाल ही में भारत के पहले संस्थागत वैकल्पिक विवाद समाधान यानी अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन केंद्र का उद्घाटन किया गया। इसका नाम भारतीय विवाद समाधान केंद्र यानी इंडियन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर या IDRC है। इस संस्था का उद्घाटन सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय के अंतर्राष्ट्रीय और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश AK सीकरी ने किया। आपको बता दें कि IDRC भारत में अपनी तरह की पहली संस्था है, जो ई मध्यस्थता, ई पंच निर्णय और ई समाधान पोर्टल के जरिए कागज रहित समाधान का माहौल प्रदान करेगा। IDRC ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों के पूर्व जज, वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्व नौकरशाह, CA, आर्किटेक्ट, कॉरपोरेट लीडर और अन्य लोग शामिल होंगे। IDRC एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में स्थापित है, जो भारत सहित दक्षिण एशिया में नया रास्ता बनाने वाला संस्थागत वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र है। IDRC की खास बात यह है कि यह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में कार्य करेगा। फिलहाल तो IDRC का मुख्यालय
दिल्ली के कनॉट प्लेस में बनाया गया है, लेकिन देश में रणनीतिक वाणिज्यिक स्थानों पर भी केंद्र होगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण में कॉयर जियो टेक्सटाइल का उपयोग किया जाएगा। कॉयर जियो टेक्सटाइल एक प्रकार के पारगम्य कपड़े हैं जो प्राकृतिक रूप से मजबूत, अत्यधिक टिकाऊ, टूट फूट, मोड़ एवं नमी प्रतिरोधी होते हैं। यह किसी भी सूक्ष्मजीवी के हमले से सुरक्षित होते हैं। इसका निर्माण नारियल के रेशे से किया जाता है। कॉयर जियो टेक्सटाइल का उपयोग करके आंध्र प्रदेश में 164, गुजरात में 151, केरल में 71, महाराष्ट्र में 328, ओडिशा में 470, तमिलनाडु में 369 और तेलंगाना में 121 किलोमीटर सड़क निर्माण किया जाएगा। इस प्रकार कुल 7 राज्यों में 1674 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए कुल 1 करोड़ वर्ग मीटर कॉयर जियो टेक्सटाइल की ज़रूरत होगी, जिसका अनुमानित लागत 70 करोड़ रुपए है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।